बच्चों, लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम था ओड वन आउट, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो उसे आज हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ बेसिक बातें जो उसके अंदर हो सकती है वो मैंने आपके साथ करी थी। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे मैं उनको 2 मिनट के लिए रिकॉल करवाऊंगा कि चैप्टर जो था उसके अंदर हमने सीखा क्या था। चलो बच्चों, क्लियर? तो वो देखते हैं एक बार। देखो, सबसे पहली बात तो क्लासिफिकेशन के बारे में जब हमने बात करी थी तो क्लासिफिकेशन का ही नाम मैंने आपको बताया था कि इसको बोला जाता है बच्चों क्या, ओड वन आउट। क्या बोला जाता है बच्चों? ओड वन आउट, ठीक है। ओड वन आउट के बारे में अगर हम बात करें तो इस चैप्टर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करा था, क्लियर। एक था आपका सबसे पहले वर्ड क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन के बाद बच्चों था आपका लेटर क्लासिफिकेशन, और बच्चों इसके बाद जो था वो लास्ट था आपका नंबर क्लासिफिकेशन। इसके लिए हमें बातें करनी थी और सीखना था कि क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि अगर कोई भी बच्चा इस चैप्टर को पहली बार पढ़ेगा उसको मैं सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर होता क्या है कि हमारे पास है ना 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शन में से मुझे पता करना है कि कौन सा एक लेटर जो है वो अलग है, या कौन सा नंबर जो है वो बाकी सभी से अलग है, या कौन सा वर्ड जो है वो बाकी सभी वर्ड से अलग है, क्लियर। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया बच्चों? ओड वन आउट। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको ओड पता करना है, और ओड जो है वो एक नंबर भी हो सकता है, एक लेटर भी हो सकता है, और एक वर्ड भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 तक मैं करवा चुका हूँ फर्स्ट पेज पे, है ना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बच्चे वो भी मैंने कराया था लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी मैंने कराया था, और क्वेश्चन नंबर 20 से मुझे याद आया कि मैंने आप सभी को एक होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में कि 15 तक आपको स्क्वायर एंड क्यूब्स याद होंगे, 20 तक टेबल्स याद होंगे। क्या आप करके लाए हैं? करके लाए हैं? तो ले लूँ 2 मिनट का बैकअप है, याद करके आए हो ना, ठीक है। तो जब क्लास हमारी छूटेगी तब लेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो अभी तो आप ये कह सकते हो ना, सर हमें रिविज़न के लिए टाइम नहीं दिया गया, ठीक। तो क्लास जब ख़त्म होगी जब देख लेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, 21 के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करा जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 21 में जो ये 1423 दिया है इसको 1425 आप कर लीजिए। 1425 को चेंज करते हुए सबसे पहले क्या करो बच्चों? 1425 कर लो, डन है, क्लियर। अब एक बार समझते हैं बच्चों कि अगर ये क्वेश्चन हमें अप्रोच करना हो तो किस तरीके से हमें पता करना है, डन है बच्चों। देखो, 1123 1425 है, डन है बच्चों, और आगे सॉरी 1139 है, ठीक है। आगे बोल दिया बच्चों 1008 के बाद 1278, और उसके बाद बोल दिया बच्चों 1620, ठीक है। इसमें से पता करना है कि भाई जो अलग होगा वो अलग जो है नंबर कौन सा है जो किसी एक ग्रुप का पार्ट नहीं है, डन है बच्चों, ठीक। देखो, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए बच्चों मैंने कितने दिए हैं? 5 ऑप्शन, लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो ऑप्शंस आएंगे वो 4 ऑप्शंस के होंगे, ठीक है। मतलब क्योंकि एसएससी वाले जो हैं या डीएसएसबी वाले जो हैं उनके एग्ज़ाम्स में ऑप्शंस होते हैं आपके 4, डन है। तो पता करना अलग कौन सा है। अब पता करने के लिए एक सिंपल सा तरीका ये था कि या तो हम सबसे छोटे नंबर को पकड़ें उसके ऊपर काम करें, क्लियर, या फिर हम क्या करें पारिवारिक नंबर को ढूंढें। पारिवारिक नंबर मतलब फैमिलियर नंबर। फैमिलियर नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर या एक ऐसी संख्या जिसको आए दिन आप कभी ना कभी अपने मैथ्स के क्वेश्चंस में जो है वो यूज़ करते होंगे, उसे हम क्या बोल देंगे बच्चों? फैमिलियर नंबर बोल देंगे, डन है, क्लियर। अब अगर मैं छोटा नंबर ढूंढूँ तो छोटा नंबर तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे, क्लियर। तो मैं क्या ढूंढूंगा बच्चों? एक तरीके से फैमिलियर नंबर ढूंढने का प्रयास करूँगा। अगर मैं बात करूँ 1620, देखो 1620 में से अगर 20 हटा दिया जाए तो बचते हैं कितने बच्चों? 1600। 1600 किसका स्क्वायर है बच्चों? 40 का, सीधा सीधा भाई 4 का स्क्वायर 16, तो 40 का स्क्वायर 1600 हो गया, ठीक। अब यहां पर क्या बन रहा बच्चों? कहीं ना कहीं 40 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर होता है 1600, और यहां पर दिया है 1620। अब 1600 को 1620 कैसे बनाया जा सकता है? उस संख्या के स्क्वायर में 20 ऐड करके, डाला बच्चों, और 20 जो है वो 40 का क्या है? आधा है, डाला बच्चों। आगे बढ़ सकते हैं, आगे की तरफ अगर मैं बात करूं और फैमिलियर नंबर कौन सा बच्चों? 1008। 1008 से मुझे याद आया किसके बारे में? 1024 के बारे में। और 1024 के बारे में यदि हम बात करते हैं तो 1024 आपको पता है ना
कि 32 का स्क्वायर होता है, और 32 का स्क्वायर मैं अगर करूं तो बन गया 1024, और 1024 के बाद अगर हम बात करें 32 के आधे के बारे में, तो 32 का आधा कितना हो गया बच्चों, 16। तो जब मैंने इसको माइनस कराया तो ये कितना बन गया, 1008 बन गया। डन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 32 का स्क्वायर माइनस 32 का आधा, 32 का स्क्वायर माइनस 32 का आधा। क्लियर है बच्चों, डन है। अब उसके बाद देखो, 1278 बज गया, 1425 बज गया, 1139 बज गया, इतने बड़े स्क्वायर क्यूब जो है ना शायद मुझे याद ना हो, ठीक है। तो वहां पर है ना हम इनको अंदाजे अंदाजे से क्लियर कर सकते हैं। कैसे, देखो एक बात समझना भाई, 32 का स्क्वायर कितना बन रहा है बच्चों, 1024। अब 1139 है, 1139 जो है ना वो 1024 से बड़ा नंबर है। अगर ये बड़ा नंबर है इससे, तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर होगा ये किसी ना किसी इससे बड़े नंबर का स्क्वायर होगा। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? तो बच्चों ये स्क्वायर किसका है, 32 का। तो ये जो 1139 है ये कहीं ना कहीं 32 से ज्यादा, मतलब 32 से जो बड़ा नंबर होगा उसका ही कहीं ना कहीं क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। अब 33 का हो सकता है क्या रीजन? क्योंकि हमें यहां पर एक बात पता लग रही है कि जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसी का आधा या तो उसके अंदर ऐड कर रहे हैं या उसके अंदर माइनस कर रहे हैं। क्लियर। और अगर हम उसका आधा ऐड करेंगे तो वैल्यू यहां पर कोई भी डेसिमल में नहीं है, क्योंकि अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर ले, इवन समझते हैं सारे के सारे और ओड नंबर समझते हैं सारे के सारे, अगर मैं ओड नंबर का स्क्वायर लूंगा और ओड नंबर के स्क्वायर में से उसका आधा माइनस करूंगा तो मेरा आंसर किस में आना चाहिए बच्चों, डेसिमल में। डेसिमल में तो नहीं है, इसका मतलब हम जो नंबर लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं बच्चों, किसका, इवन का स्क्वायर। अब 1139 33 का नहीं है तो 34 का चेक कर लो, 34 का स्क्वायर होता है बच्चों कितना, 1156। डन बच्चों, 1156 है 34 का स्क्वायर। अब 34 के स्क्वायर में से अगर मैं माइनस करूं, 34 का आधा कितना होता बच्चों, 17, तो कितना बन गया बच्चों, 1139 बन गया, नहीं बन गया। डन है। अब उसके बाद देखो 1278, 1239 पे आए बच्चों 1278 में, ठीक। अब ये 34 से बड़ा ही होगा कहीं ना कहीं, ये जो 1278 है ये 34 से बड़ा जो नंबर है उसका स्क्वायर होगा ना। क्या 35 का हो सकता है, क्या 36 का हो सकता है, 36 का करके देख सकते हैं। 36 का अगर आप करेंगे तो 36 का स्क्वायर आएगा बच्चों 1296। डन है। और 36 के स्क्वायर में से अगर मैं 36 का आधा माइनस कर दूं तो बन जाता है कितना, 1278। वैसे ही 1425, क्या 1425 36 से ऊपर का जो नंबर होगा उसका स्क्वायर नहीं होगा? अगर मैं बात करूं बच्चों 38 के बारे में, ठीक, 38 का स्क्वायर होता है बच्चों 1444। तो 38 के स्क्वायर में से 38 का आधा माइनस कर दूं तो क्या बन गया बच्चों, 1425। आप देख सकते हैं इन सभी में क्या करा गया है, स्क्वायर करके उसका आधा लिया गया है, लेकिन इन चार ऑप्शन में स्क्वायर करके उस नंबर का आधा माइनस करा और इसमें क्या कर दिया बच्चों, प्लस कर दिया। तो मुझे पता करना है अलग कौन सा है, तो अलग यही होगा 1420। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक, बढ़े आगे बढ़ते हैं। चलो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था ये आपका 21। 22 चेक करते हैं बच्चों। देखो 30 दिया बच्चों 30, 182, 182 के बाद क्या दिया बच्चों 54, क्या दिया बच्चों 110, क्या दिया बच्चों 42। कहाँ से पकड़े इस नंबर को, देखो 30 से पकड़ लो या 110 से पकड़ लो, डन है। क्या क्या हो रहा भाई, 10 का स्क्वायर प्लस 10, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 5 का स्क्वायर प्लस 5, डन है बच्चों। और अगर मैं बात करूं 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में 13 ऐड कर दिया तो क्या 182 बन गया, बिल्कुल बन गया, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर प्लस 13 लगा दिया बच्चों यहां पर, तो आप देख सकते हैं क्या 54 पर ऐसा कुछ लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। टीना, क्या नाम है आपका, टीना तान्या, तो ये हमारा आंसर बन गया बेटा। पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इससे पहले पढ़ाई करी है, रीजनिंग वगैरह पढ़ा है, खुद से प्रैक्टिस, तो बात समझ में आ रही है ना यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 210, 342, 156, 274, 272, ठीक, चेक करेंगे एक बार, चेक करेंगे जल्दी से, देखिए ध्यान दीजिए। देखो बच्चों क्या दिया है, 210, 342 और बच्चों बोलता है 156, 274, 272, है ना, यही है ना। अब इसमें से पता करना अगेन वही हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे जो हम करते आए, सबसे छोटा नंबर या पारिवारिक नंबर क्या लगा दो सुमित इसके अंदर भाई। देख
210, 156, 342, सबसे छोटा नंबर क्या है? 156. किसका स्क्वायर है भाई? 12 का स्क्वायर 144. 144 में 12 जोड़ दिया तो कितना बन गया? 156 बन गया. तो क्या हो गया बच्चों? 12 का स्क्वायर प्लस 12. 342 के बारे में यदि हम बात करें तो 18 का स्क्वायर 324, और 324 में 18 जोड़ दूं तो क्या बन गया बच्चों? 342. ठीक है. वैसे अगर मैं बात करूं 210, 210 किसके आसपास का? 196. किसका स्क्वायर है भाई? 14 का. तो 14 का स्क्वायर करते हुए क्या कर दिया बच्चों? 14 को ऐड कर दिया और 272, 256 आप जानते हैं ना, 256 आप जानते हैं किसका स्क्वायर है? 256 16 का प्लस 16. क्या 274 पे सिस्टम बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा ना. ठीक. तो आंसर क्या बन गया बच्चों? 274. 274. ठीक है, क्लियर. बढ़ जाओ आगे. चलो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस आपसे करवाएंगे. ठीक. ये था क्वेश्चन नंबर आपका 24. देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में बोलता है 28, 125 और 9, 344 और 65. ठीक है बच्चों, क्लियर. भाई ध्यान दे लो, यहाँ पर ध्यान दे लो बच्चों, ध्यान दे लो. सबसे छोटा नंबर कौन? 9 पर क्या बातें हैं? दो बातें हैं, या तो 3 का स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, या फिर क्या है बच्चों? 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 1. ठीक है, फिर माइनस क्यों बोल रहे हो? अब आगे देखते हैं 344. 344 पे क्या हो रहा है बच्चों? 7 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 1. तो आंसर दे सकते हो क्या? क्या बनेगा बच्चों? क्यूब बनेगा, क्योंकि बाकी सभी में क्यूब करते हुए प्लस 1 करा गया है. डाला बच्चों, क्लियर. लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है. ठीक. तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? 125. ठीक. इस तरीके से असाइनमेंट दी जाए ना, घर से प्रैक्टिस करके लाया करो बच्चों, घर से प्रैक्टिस करो करो. घर पे करके देखा था ये असाइनमेंट, है ना? मतलब जैसे दिया था वैसे वैसे कॉपी ले आए, ऐसा ही कुछ करा क्या? करें कितने तक करें बेटा? ये क्या सिस्टम था? अगले वाले छोड़ दिए, 51 से लेकर 63 तक. वाई 51 से लेकर 63, बिकॉज 51 से लेकर 63 तक ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू लेटर क्लासिफिकेशन एंड वर्ड क्लासिफिकेशन. क्लियर. ये सारे के सारे जो है ये इजिली आपसे हो गए होंगे ना. डन, बहुत बढ़िया. चलो प्रैक्टिस करी, बहुत अच्छी बात. आगे बात करते हैं बच्चों 25. 731, देखो ध्यान से समझना एक बात. 511, 215, ठीक है बच्चों, 63, 1023. ठीक है बच्चों. अब एक बात ध्यान से देखो भाई, अगर मैं इन पे एक चीज देखूं तो सारे के सारे नंबर कैसे हैं बच्चों? कैसे नंबर है? ओड नंबर. ठीक है, ओड नंबर है ना सारे. अब उसके बाद एक बात देखो, इसमें 3 डिजिट्स, इसमें 3 डिजिट्स, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 2. अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर या उसके बेस पर एलिमिनेट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता भाई. मैं एलिमिनेट तो कैसे भी कर सकता हूँ ना भाई. ये जो मैं यूज़ करवा रहा हूँ तरीका, ये तो एक क्वेश्चन के अंदर एंट्री करने का तरीका है. वैसे एलिमिनेशन का जो मेथड है वो तो कुछ भी हो सकता है. डन. तो अब अगर मैं एक बात सिंपल सी नोटिस करूं तो मुझे ना कहीं ये जो है ना स्क्वायर एंड क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक. जैसे 511 है भाई, 511 क्या होता? 512 होता है एक्चुअल में. 511 को 512 मतलब 512 को 511, तो 8 का क्यूब माइनस 1 हो गया, 215, 6 का क्यूब माइनस 1 हो गया, 4 का क्यूब माइनस 1 हो गया. लेकिन 1024 होता है स्क्वायर नॉट क्यूब. क्लियर बच्चों. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? 32 का स्क्वायर माइनस 1 हुआ. यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? 9 का क्यूब प्लस 2, माइनस 2 नहीं प्लस 2. ठीक है, डन बच्चों. अब क्या आंसर दें? अब कई बच्चे बोलेंगे सर वी आर गो विद 731. ठीक. एंड सम स्टूडेंट्स गो विद 1023. क्लियर. कौन कौन ऐसे बच्चे जो 1023 के साथ जाएंगे? देखो एक बात समझो, यहाँ पर एक बात समझो, इसमें ना दो बातें निकल रही है. एक बात तो ये कि स्क्वायर भी लग रहा है और क्यूब भी लग रहा है. ठीक. और एक दूसरी बात,
कि इन सभी में माइनस और उस ऊपर वाले में प्लस, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें है ना इस कंडीशन में एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे सामने इस तरीके का कार्य आए जिसके अंदर हम स्क्वायर एंड क्यूब्स के ऊपर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, डन है, तो उस कंडीशन में हम इनको किसके ऊपर एलिमिनेट करेंगे, प्रॉपर्टीज के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? प्रॉपर्टी समझते हो ना, इन सब की प्रॉपर्टी माइनस उस ऊपर वाले की प्लस। तो इन सभी में ग्रुप क्या बन गया बच्चों? माइनस का बन गया और उन सभी में प्लस का बन गया। अब आप कहोगे सर ये चीज आपने कहां पढ़ी? ठीक, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ी, इसको मैंने सिर्फ देखा एक प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, ठीक है, किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और उसके अंदर जो एलिमिनेट करने का आधार रहा वो यही रहा कि प्रॉपर्टी को उनको तवज्जो दी। और हमें तवज्जो किसको देनी है? एग्जाम को, क्योंकि अगर हम एग्जाम को तवज्जो देंगे तो एग्जाम हमें तवज्जो देगा, नहीं देगा, फॉर्म तो भर दिया करो इसके लिए, फॉर्म तो भरते नहीं हो, है, अभी देख रहा था मैं, 2 से 3 बच्चों ने हाथ उठाए थे आयुष्मान के लिए और कौन सा था भाई, CBSE। तो भाई ये तो मतलब तो वही बात है, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर तुम SSC की तैयारी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सारी तैयारी आपकी हो रही है, ठीक है, सिर्फ बैंकिंग को छोड़कर, ठीक। अभी CRA निकला है, CRA भर दिया, हाँ। CRA में एक बात ध्यान रखें विशेष रूप से, ठीक है, एक बात ध्यान रखें विशेष रूप से, उसके अंदर जो है ना CRA के अंदर कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट, 2 से 3 टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो आपके SSC का पार्ट नहीं है, ठीक है, क्लियर, वो बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक। जैसे मैं बात करूँ पजल्स के बारे में, मैं अगर बात करूँ बच्चों, 1-2 टॉपिक और हैं, ठीक है, जब हम डिस्कस करेंगे ना, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा वो टॉपिक जो है आपके वो कौन से डिफरेंट है और वहाँ आप उनको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, क्लियर है बच्चों, डन। अभी के लिए तो आप सिर्फ फॉर्म भरें और जो करवाया जा रहा है उसको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें, क्लियर। बढ़ूँ आगे? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 25। क्या मैं आपसे आशा कर सकता हूँ कि अभी आप 26 से लेकर 30 तक मुझे करके दिखाएंगे 2 मिनट में? 26 से 30 क्वेश्चन नंबर 26 to 30 कर दोगे? कर देगी बेटा, कर फिर। चलो बच्चों करवा दूं, देखो इतना टाइम नहीं होगा ना 5 क्वेश्चन को करने के लिए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? 5 to 0। बाकी सभी में क्या हो रहा है? 4 का क्यूब 10 का क्यूब और 6 का क्यूब और 8 का क्यूब, लेकिन 520 में ऐसा कुछ नहीं बन पा रहा है ना, तो इसीलिए आंसर क्या बन गया बच्चों? 520, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बच्चों? 60। हाउ 60? क्यू माइनस वन नहीं, उसका हाफ। 7 2 का क्यूब माइनस 1 2 1 3 6 का क्यूब माइनस 3, ठीक है। 60 इस पे नहीं लग पा रहा,
4 का क्यू माइनस 2, 8 का क्यू माइनस 4, डालो बच्चों, तो आंसर क्या दे दिया आपने, 60, ठीक है। अगला 2758, क्या आया बच्चों अगले का, देखो सबसे छोटा नंबर पकड़ लो, डन है, देखकर इतने घबराओ मत, सबसे छोटा नंबर क्या बच्चों, 1010, 1010 में से 10 हटाओ, कितना बच गया, 10 का क्यूब प्लस 10, अब आ जाओ 1342 पे, 11 का क्यूब प्लस 11, डाला बच्चों, उसके बाद आ जाओ 2210, और 2210 पे क्या लग रहा है, 2210, देखो 13 का क्यूब कितना होता है, 2197, 2197 में अगर मैं 13 ऐड कर दूं, 7 3 10 10 11 2, ये हो गया 2210, बन गया सिस्टम, तो क्या हुआ इस पे 13 का क्यूब प्लस 13, इसके ऊपर क्या कुछ लग पाएगा, 4114, उससे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, 275, बच्चों 14 का क्यूब होता है 2744, ठीक है, 2744, इसके अंदर अगर मैं 14 को ऐड कर दूं तो 2758 बन गया बच्चों, ठीक, इसका मतलब आंसर क्या आया, 4114, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, 210, 504, 2184, सबसे छोटा नंबर क्या, सबसे छोटा नंबर क्या, 350 या 210, ठीक है बच्चों, 6 का क्यूब माइनस 6, 504, 8 का क्यूब माइनस 8, ठीक है, 8 का क्यूब 512, 512 माइनस 8, ठीक है, और ये बन गया आपका 990 बच्चों, 10 का क्यूब माइनस 10, और ये बन गया 7 का क्यूब प्लस 7, तो बन गया 2184 के बाद, यहाँ 2184 किसका क्यूब था बच्चों, 2197 जो है किसका क्यूब है, 13 का, तो 13 अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो ये बन जाएगा 7 में 3 गया 4 9 1 8 2 1 8 4, ठीक, तो बन गया ये 13 का क्यूब माइनस 13, तो आंसर क्या देंगे बच्चों आप, 350, क्योंकि बाकी सभी में क्यूब करते हुए माइनस है, लेकिन इसके अंदर क्या करा गया बच्चों, प्लस करा गया, डाला भाई कोई डाउट, बढ़े आगे, 970, 3000, 330, 30, 110, 18, क्या बनेगा आंसर, 18, देखो क्यों 18, क्या किसी के क्यूब लग रहा है, किसी का स्क्वायर क्यूब लग रहा है, नहीं है, ठीक, एक सिंपल सी बात, इन सब के लास्ट में जीरो है, ठीक, अगर इन सभी के लास्ट में जीरो है तो इसका मतलब ये किसके डिविजिबल है, 10 के एंड 5 के, डन है, क्या 18 में कुछ ऐसा है क्या, तो आंसर इज 18, आ रही है बात समझ में, बात समझ में आ रही है, पक्का, चले बढ़े फिर आगे, चलो ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चे, क्वेश्चन नंबर 30 था ये, ठीक है, तो मैं चाहूँगा 31 से लेकर 35 तक जल्दी से आप करें, नहीं 31 से लेकर 38 तक आप जल्दी से करें, ठीक, फिर ये ख़त्म हो जाएगा इस साइड वाला, डन है, ठीक, 520 क्यों, 8 का क्यूब प्लस 8, बाकी सभी में जिस नंबर का क्यूब उस नंबर का हाफ उसके अंदर ऐड करा गया, लेकिन 520 में हाफ नहीं करा गया, ठीक है,
ओके डन। डाले ये हुआ टॉपिक शीट कहाँ भाई, अटेंडेंस शीट जो दी थी होगी सभी की भिजवा दो, नहीं हुई इंग्लिश है वो, इंग्लिश चेक करें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्यों भाई प्लस में आ रहा है, मतलब 13 के स्क्वायर पर प्लस 13 आ रहा है टू टू वन जीरो फर्स्ट का कैसे 154 कैसे बता, इसमें क्या क्यूब हुआ 222 में 6 हाँ आगे 74 में 4 का क्यूब प्लस 10 अच्छा आगे प्लस का लग गया बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता ना फिर, ठीक देखो बाकी सभी में क्यूब आप कर रहे हैं तो आपने इसमें तो कर दिया 222 में तो 6 का क्यूब प्लस 6, 74 में आप कर रहे हैं 4 का क्यूब प्लस 10, ठीक दोनों में कॉमन बातें तब बनेगी जब दोनों का जो क्यूब है ना वो सेम चलेगा, डन है। अब दोनों का अगर अलग अलग चल रहा है तो दोनों का सेम जो है ना वो नहीं कह सकते हम, ठीक है क्लियर। अब क्यूब के अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन होएगा ही नहीं, पहली बात तो ये देखो क्यूब स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मैं किसके ऊपर जाऊंगा डिविजिबिलिटी, ठीक डिविजिबिलिटी अगर मैं चेक करूं सभी जो है वो किसके डिविजिबल है बच्चों, दो के है ना, टू के डिविजिबल, रीजन क्योंकि सभी नंबर कैसे हैं इवन नंबर है, ठीक है। अब दूसरी बात अगर दो से नहीं हो रहे तो मैं तीन से चेक कर लूं, ठीक तीन से चेक हो जाएंगे क्या भाई, तीन से कैसे कराएंगे चेक, 5 4 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 6, 7 4 11, 3 1 4, 2 2 4 और 1 5, क्या तीन में से कोई किसी से क्या डिविजिबल होगा, 222 मात्र एक ऐसा नंबर है जो 2 से क्या 3 से क्या होगा बच्चों डिविजिबल होगा, क्लियर। बाकी सभी जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 222 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या बन गया 222। किस किस का ठीक था, एक भी बच्चे का नहीं है। अगले क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आया, 396। हाउ 396, क्यूब प्लस स्क्वायर कैसे भाई किसका, हाँ 480 पे अगर मैं बात करूं तो 80 क्या भाई 40 का 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, भाई 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों का सम कितना हो गया बच्चों 80, डन है। उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ आगे 150 पर तो क्या बन गया बच्चों 150 पर 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, वैसे ही 810 पर क्या बन गया बच्चों 9 का क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर, वैसे ही 1452 पर 13 का क्यूब प्लस सॉरी 13 का नहीं 11 का क्यूब प्लस 11 का स्क्वायर, तो ये बन नहीं पा रहा किस पर 396 पर, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चों 396। बात समझ में आ रही है सभी को, नवीन बात क्लियर है भाई, ये वाला हाँ तो बोले टेबल के हिसाब से कैसे हुआ, मैंने इसके ऊपर है डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक करा, ठीक है सारे के सारे डिविजिबल हैं किसके, दो के, ठीक है। अब उसके बाद मैंने चेक कर लिया तीन से, ठीक जब मैंने चेक करा कि तीन से डिविजिबिलिटी रूल क्या बन रहा है इनके ऊपर, तो मैंने पाया कि 222 जो है वो एक ऐसा मात्र नंबर है जो सिर्फ किससे डिवाइड, मतलब इन सभी नंबर में से सिर्फ 222 एक ऐसा नंबर है जो तीन से डिविजिबल होगा, तो इसलिए मैंने 222 को दिया। सर एक में ये लगा के देखिए जो एक सिंगल नंबर होता पाएगा डिवाइड वो आंसर हो जाएगा,
हाँ कह सकते हैं आप, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, ठीक है। स्क्वायर निकालने से पहले एक बार इसको भी ट्राई करें, इसको बाद में ट्राई करें। अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब दिखाई दे रहे हैं तो सीधा सीधा आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्क्वायर क्यूब पर। डन, मैंने स्क्वायर को क्यूब पे निकाला, मेरा आंसर मेरे को ये लगा निकालने के बाद। स्क्वायर क्यूब आप कैसे लगाएंगे बताएं आप मुझे, आप सिर्फ 222 को देख के चल रहे हैं ना कि इसके ऊपर क्या हो रहा है, 6 का क्यूब प्लस 6 कर दिया तो 222 हो गया, ठीक है। बाकी पे अगर मैं ऐसा कुछ देखूं तो क्या सिस्टम बन पा रहा है, स्क्वायर क्यूब वाला जो आप बता रहे हैं कि स्क्वायर करके उसी नंबर को उसके अंदर ऐड कर दो, तो क्या बाकी सभी पे बन पाया, नहीं बन पाया, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या दे देंगे हम, 222, ठीक, कोई दिक्कत। और आपकी बात भी मान ली जाए तो उसके अकॉर्डिंग भी 222 ही बनेगा। रीजन क्या है कि 6 का क्यूब प्लस 6 जब हमने करा तो 222 आया, किसी पर भी क्यूब करके उसका उसको अगर हम ऐड कर दें तो नहीं बन पा रहा। जैसे 2210 क्या बन पाएगा, ये 2197 के आसपास का नंबर है, 2197 अगर मैं कर दूं तो 2197 पे अगर मैं 13 ऐड कर दूं तो बन तो जाए, 7 और 3 10 9 और 1 10, ठीक, ये बन गया आपका 2200, लेकिन मुझे बनाना था 2210 बना गया, 7 3 10 9 10 1 2 2 1 0, ठीक, तो बन तो रहा है इस पे भी 2210 पे, लेकिन अगर मैं बाकी पे चेक करूँ 1030 पर, चेक क्या बन पा रहा है इस पर, 1030 पर, क्या 74 पर बन पा रहा है, क्या 154 पर बन पा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर क्यूब नहीं चल रहा, ठीक, तो नहीं चल रहा तो हमने आगे की तरफ काम कर लिया। आ रही है बात समझ में, बड़े आगे। हाँ जी, इसका आंसर क्या बना बच्चों, 2028 294 48 128 180, क्या बना बच्चों इसके ऊपर। हाँ जी, हाँ भाई, क्या बना, 180 कैसे, देखो, हाँ, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन करा, क्यूब करके उसका स्क्वायर ऐड कर लें, ठीक, इसके अंदर हम क्या करें, क्यूब करके माइनस करेंगे उसका स्क्वायर। जैसे मैं बात करूँ, ये बात मुझे कहाँ से पता लगेगी, जैसे मैं 48 से ही पता करता हूँ, ठीक, 48 क्या है बच्चों, 64, 4 का क्यूब कितना होता बच्चों, 64 को मुझे बनाना है 48, तो कैसे बनाऊंगा, माइनस 16 करके, 16 कैसे आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूँ 180, तो 180 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। वैसे अगर मैं बात करूं 1218 के बारे में, तो 1218 किसका बनेगा बच्चों, 1331 बना के देख लो, 1331 में से अगर मैं 11 का स्क्वायर ही माइनस करूं तो 11 के स्क्वायर को माइनस करने पर 121 नहीं बन पाएगा ये, ठीक है। तो 11 का क्यूब हो गया 1331 और 11 का स्क्वायर अगर मैं माइनस करूं नहीं बन पा रहा, 11 का क्यूब है ना बेटा ये। तो वैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, चलो बाकी नंबर पे चेक कर लेते हैं एक बार, 2028 294 के बारे में यदि बात करी जाए तो 294 जो है वो 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 343 में से अगर मैं 7 का स्क्वायर माइनस कर दूं तो बन जाएगा ये 49, तो 13 में से 9 गया बच्चों, कितना बच गया आपका, नहीं बन पा रहा ये, ठीक है, नहीं बन पा रहा, 294 पे बन जाएगा, ठीक, 294 अगर मैं बनाऊं तो 9 4 13 9 4 13 और 1 14 बन गया, ठीक, 294 पे बन पा रहा है क्या, 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, 48 पे क्या बन पा रहा है बच्चों, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 180 पे क्या बन पा रहा है बच्चों, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, 2028 के बारे में अगर हम बात करें तो 2028 क्या बनेगा, 2028 क्या बन सकता है बच्चों, 2028 इसके आसपास का नंबर ढूंढो, 2028 2197 क्या होता है, 13 का क्यूब कितना, 2197, ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना बच्चों, 169, तो बनना चाहिए 2028 9817 6281 और ये बन गया आपका 2128, बन पा रहा है, डेफिनेटली बन पा रहा है। तो हमारा जो आंसर बन गया बच्चों क्या बना, कितना बना, 1218, क्यों बना, बात समझ में आ रही है, क्योंकि बाकी सभी में एक नंबर का क्यूब करके उस नंबर का स्क्वायर उसमें से माइनस करा जा रहा है, इसलिए ये जो पैटर्न है किस पे नहीं लग पाया, 1218 पे, इसीलिए हमने आंसर क्या दे दिया बच्चों, 1218। आ रही है बात समझ में, बढ़ू आगे, चलो
इसका तो लगा ही दिया होगा आपने, एक दो तीन चार, दो चार छः, तीन चार पाँच छः, पाँच छः सात आठ, दो तीन चार पाँच, क्या बना बच्चों? क्यों बना बच्चों? बाकी सभी में जो नंबर है वो सीक्वेंस में आए लेकिन इसमें नहीं आए, इसका क्या बना बच्चों? इसका क्या बना? हाँ जी, वन टू थ्री, वन टू थ्री फाइव, रीजन? बाकी सभी में कोई भी सीक्वेंस नहीं चल रहा, ठीक। ये देखो, एट सिक्स, एट सेवन सिक्स सेवन नाइन, फाइव फोर सेवन सिक्स नाइन, थ्री टू फोर फाइव, वन टू थ्री फाइव में एक सीक्वेंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर है ना फोर जो है मिसिंग है, लेकिन चल तो रहा है एक सीक्वेंस, क्लियर? तो इसीलिए आंसर क्या दे देंगे, एक दो तीन पांच, क्लियर? आगे इसका आंसर कितना आया बच्चों? ये तो सिंपल था, देखो, चार दूनी आठ, तीन दूनी छ, चार गुना एक चार, तीन गुना एक तीन, आ रही बात समझ में? तो ये सिस्टम किस पे नहीं लग पाया? 553 में, डन है? वैसे इसका भी लगा दिया होगा, देखो, दो का क्यूब आठ, तीन का क्यूब सत्ताईस, चार का क्यूब चौसठ, पांच का क्यूब 125, लेकिन एक का क्यूब होता है एक, यहां पर दिया है पांच, तो आंसर कितना बन गया बच्चों? 15 बन गया। आगे अगले का 525, रीजन? बाकी सभी में सिक्स नाइन वन का यूज करा गया, इसका मतलब बाकी सभी का जो सम होगा ना वो इक्वल होगा, जैसे नौ छ एक, नौ छ एक, नौ छ एक, नौ छ एक, लेकिन इसमें नहीं नौ छ एक, तो आंसर क्या बन गया बच्चों? 525, 525। कोई दिक्कत? किसी विद्यार्थी को डाउट है कोई? बढ़ सकते हैं आगे, हटा दूं? चलो बच्चों, थोड़ा सा लेटर क्लासिफिकेशन के बारे में जान लें, ठीक है? लेटर क्लासिफिकेशन के बारे में जानने से पहले हमें ना लेटर्स की जो नॉलेज है वो नॉलेज होनी अति आवश्यक है, ठीक है? पोजीशंस को याद किस तरीके से रखा जाता है ये मैं आपको बता चुका हूँ ना, ठीक? जिनको नहीं बताया वो ध्यान दे लो एक बार। एक कफ सिरप का नाम बताया था बच्चों, सिफाइलोरक्स। क्या था? सिफाइलोरक्स। सिफाइलोरक्स की हेल्प से क्या करेंगे आप? पोजीशंस को याद रखेंगे, ठीक? सिफाइलोरक्स का मतलब है बच्चों थ्री का टेबल कहां तक? एट जा तक, डरा बच्चों? ठीक, थ्री का टेबल एट जा तक। इसके अलावा आपको एक वर्ड और बताया हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इजोटी। इजोटी का मतलब क्या हो गया? फाइव का टेबल फाइव जा तक, ठीक है? फाइव का टेबल फाइव जा तक। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? पोजिशंस को याद रख सकते हैं, डन है, क्लियर? अब जब हम बात कर रहे हैं लेटर्स के बारे में, तो लेटर्स में ही मैंने आपको बताया था किसके बारे में? ऑपोजिट लेटर के बारे में। ऑपोजिट लेटर का मतलब बताया था कि टोटल अल्फाबेट है आपके पास 26, जिसमें से स्टार्टिंग के 13 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ए से लेकर एम तक कुल कितने हो गए? 13। जो बचे हुए 13 हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी U V W X Y Z, डरा बच्चों? तो सभी लेटर्स क्या होंगे? एक दूसरे के ऑपोजिट। A का ऑपोजिट Z, Z का A, B का Y, Y का B। और ऑपोजिट लेटर को याद रखने के लिए कुछ वर्ड्स बताए थे कि A Z को याद रखने के लिए A to Z, B Y को याद रखने के लिए Boy, C X को याद रखने के लिए Cracks, D W को याद रखने के लिए Dew, ई वी को याद रखने के लिए लव, जिसमें वी एंड ई एक दूसरे के ऑपोजिट, एल और ओ एक दूसरे के ऑपोजिट, एफ यू को याद रखने के लिए फ्लू, जिसमें एफ एंड यू क्या होगा? एक दूसरे के ऑपोजिट, जी टी को याद रखने के लिए जी टी रोड, जिसमें जी एंड टी क्या होगा? एक दूसरे के ऑपोजिट, एच एस को याद रखने के लिए हाई सैलरी, जिसमें एच एंड एस क्या होगा? एक दूसरे के ऑपोजिट, आई आर को याद रखने के लिए बच्चों इंडियन रेलवेज, और वैसे ही अगर मैं बात करूँ जे क्यू के बारे में तो जे क्यू को याद रखेंगे जैक क्वीन की हेल्प से, के पी को पी के मूवी, एल ओ के बारे में हमने लव में बात करी थी, और एम एन को हम याद रखेंगे बच्चों मैन की हेल्प से, डन है, क्लियर? ये हो गया लेटर्स के बारे में ज्ञान, और ज्ञान हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।